एक संत की सेवा में 25 साल का युवक 5 साल तक रहा। सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। संत को जो भी प्रिय था, शरीर को, मन को, सब कुछ उसने किया। और 5 साल के बाद संत उन पर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद एक दिन उनको बुलाया, दोस्त अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर 5 साल तक तूने मुझे सेवा की है, तो मैं तुझे एक चीज देना चाहता हूँ। और संत ने एक पारस मणि दिया निकाल करके, वो देखते रहा लड़का। और संत ने उसको कहा कि दोस्त एक बात याद रखना, ये पारसमणि 5 दिन तक ही पारसमणि रहेगा, फिर चालू कांच का टुकड़ा बन जाएगा। पारसमणि क्या कर सकता है तुझे पता होगा, लोहे के टुकड़े को टच करा दे, वो सुवर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। युवक प्रसन्न हो गया। संत गए, बोल के गए थे 5 दिन के बाद फिर से वापस आऊंगा आगे जाने के लिए। और वो 5 दिन के बाद जब आए, युवक को बुलाया, कैसा रहा? और युवक का चेहरा उतर गया था। क्या हो गया? पारसमणि बेकार था क्या, निकल था, काम नहीं किया? तो कह नहीं, पारसमणि क्या था वो तो मुझे मालूम नहीं है, मगर आपने मुझे बता दिया कि लोहे को सोने में कन्वर्ट करने की पारसमणि की ताकत है। मैं उसी दिन से बॉम्बे के लोहे बाजार में गया और लोहे को खरीदने का सोचा, मगर लोहे का भाव आसमान पे था। मैंने सोचा दोपहर को जाता हूँ, शाम को जाऊँगा, भाव थोड़ा कम हो जाएगा, लोहा ले लूँगा। भाव कम नहीं हुआ, दूसरे दिन भी वही आसमान पे भाव रहा। तीसरे दिन, चौथे दिन और 5 दिन, 5-5 दिन तक लोहे का भाव आसमान पे रहा। मैंने लोहा खरीदा ही नहीं और ये पारसमणि कांच का टुकड़ा हो गया। संत को लगा उसको क्या करूं, लोहे के भाव आसमान गए देख करके बेवकूफ ने लोहा नहीं लिया। एक लोहे का टुकड़ा उनको करोड़पति बना सकता था, मगर संत उनकी गरीबी पर सहानुभूति रख करके वहां से निकल गए। तेरा नसीब 5 साल के बाद 5 दिन के लिए चलने वाला पारसमणि तेरी अक्ल की कमी के हिसाब से तूने गवा दिया। शायद हमारी भी यही हालत है, जो समय मिला है वो समय पारसमणि से कोई कम नहीं है। पारसमणि तो लोहा को सोना करता है, ये समय आत्मा को परमात्मा बना सकता है, दुर्जन को सज्जन बना सकता है, सज्जन को संत बना सकता है, यदि यूटिलिटी करने में हमारी अक्ल ठिकाने लग गई तो।